अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ जमील अहमद और आप देख रहे हैं वाना टू आर ओनर। दोस्तों ये चाइना का मोटरसाइकिल है कोई, और ये जो सा स्लो पे खड़ा नहीं होता, बंद हो जाता है खुद। ये भी आप देखें ज़रा, ये इसको मैंने स्टार्ट किया और ये स्लो पे बिल्कुल, मतलब इसकी रेस जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्लो पे से खड़ा करना भी सही सिखाऊंगा, और दूसरे नंबर पर इसकी मैं पेट्रोल की सेटिंग भी करनी है, आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से पेट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को मुकम्मल देखने, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, और जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसको भी मैं स्टार्ट करता हूँ मोटरसाइकिल को, ठीक हो गया। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। अभी आपने दोस्तों क्या करना है, आपने एक टेस्टर ले लेना है, जो आप पतला सा पिचर्स ले लें कोई या टेस्टर वगैरह ले लें, ठीक है। तो आप इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है वो आप देखिए। तो इसकी आपने जो है ना दूसरी साइड पर चले जाना है, बाइक के भी मैं दूसरी साइड पर जाता हूँ, तो आपको मैं चेक कराता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसकी यहाँ पे हमारी जहाँ से हम रेस तेज़ करते हैं, कम करते हैं पेट्रोल, इस तरफ आपने आ जाना है। और यहाँ से सबसे पहले आपने थोड़ी सी जो है ना यहाँ से आपने रेस थोड़ी सी तेज़ करनी है। तो ये वाला जो सा हमारा जो सा रेस का होता है नाटिस, यहाँ से आपने थोड़ी सी इसकी जो है रेस तेज़ बढ़ानी है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है, थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ। इस तरह बढ़ा के आपने फिर जो है जो पेट्रोल वाला जो हमारा जो उसका एडजस्टर होता है, क्या बोलते हैं, जहन में भी नहीं आ रहा, तो इसको आपने जो है ना इसको टाइट करना है, पहले फुल टाइट करना है। तो एक चूड़ी फिर आपने पहले लूज़ करनी है, दो चूड़ियाँ इसका मतलब करनी है, एक ही चूड़ी काटा में लूज़ करनी है। जहाँ पे आपकी एक्सीलेटर बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है, समझते हैं कि यहाँ पे हमारी एक्सीलेटर बिल्कुल तेज़ हुई है, वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है, ठीक हो गया। वहाँ पर आपने इसको छोड़ के फिर उसके बाद आपने जो है जहाँ से आपने एक्सीलेटर तेज़ किया था, वहाँ से हल्का हल्का करते करते बिल्कुल कम कर दें, जितना मतलब आपका बाइक बंद ना हो उधर आपने इसको छोड़ देना है। तो अभी देखें, इसको मैं हल्का हल्का कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे बस मैं इसको छोड़ दूँगा जहाँ पे समझ लूँगा कि यहाँ पे हमारा बाइक बंद नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसकी जो सी सेटिंग होती है, तो बस अब अगर आपकी सेटिंग यहाँ से बिल्कुल अगर ज़ीरो पे है, आपका बाइक बंद नहीं हो रहा, और बिल्कुल मतलब ज़ीरो पे है, एक्सीलेटर ज़ीरो पे है, तो आपका मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक जो है पेट्रोल कम खाएगा। तो अभी ये बिल्कुल स्मूथ खड़ा है, तो अभी हमारा ये पेट्रोल भी बहुत कम खाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ।